दरअसल बात यह है कि मुझे हमाद का नंबर चाहिए। हमाद का नंबर? मगर क्यों? अरे भाई, हमारा दामाद है, उसकी खैरियत मालूम करनी है। क्या सोचेगा वो कि कैसे ससुराल वाले हैं, खैरियत भी नहीं पता करते। नहीं, अगर वो अपॉइंटमेंट है भी तो प्लीज कैंसिल कर दीगा। आज आपसे कोई मिलने आ रहा है। कौन आ रहा है? बस आ रहा है, नाम भी उसी वक्त पता पड़ जाएगा। लेकिन प्लीज उससे घरेलू मामला तो लड़ाई झगड़े की कोई बात मत करिएगा। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के घर चले गए हों, अभी आ जाएंगे। तो भूल गई है, वो मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाते। हो सकता है उन्हें अचानक जाना पड़ गया हो। फिर भी वो मुझे फोन जरूर करते हैं। आपने उन्हें फोन किया था? हाँ, फोन उनका मुसलसल बंद जा रहा है, इसीलिए तो मैं ज्यादा परेशान हो गई और तुझे बुला लिया। देखिए मसूद अंकल, मैं अपना और फरिया का रिश्ता कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। क्या ये तुम क्या कह रहे हो अमर बेटा? मैं वही कह रहा हूँ जो आपने सुना है। फोन में तो बाबा के किसी दोस्त का नंबर नहीं है, अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं? हाँ, बाबा की ना फवाद से बात हुई थी, मैं फवाद से फोन करके पूछती हूँ। हेलो फरिया भाभी, कैसी हैं आप? फवाद, तुम्हारी बाबा से बात हुई थी? जी भाभी, किया था, और मैंने उन्हें जरा शक नहीं होने दिया कि मैं फवाद बात कर रहा हूँ। मगर फवाद, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी क्या बात हुई है उनसे? वो मुझसे हमाद भाई से मिलने का कह रहे थे, तो मैंने 2 बजे उन्हें ऑफिस भेज दिया। अब तक तो वो हमाद भाई से मिल भी चुके होंगे। क्या फवाद, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें सारी प्रॉब्लम बता दी थी। अगर मैंने हमाद से ही बात करानी होती तो मैं तुम्हारा नंबर क्यों देती उनको? भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे बताएं, कोई बात है उसे शेयर करें। बाबा अभी तक घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ पर है। अच्छा, आप परेशान ना हो भाभी, हो सकता है वो अभी हमाद भाई से बात कर रहे हो। आप फोन रखें, मैं पता करके बताऊँ। हाँ प्लीज जल्दी फोन करके पूछो उनको। हाँ मैं पता करके बताऊँ। कभी वक्त पे फोन नहीं उठाएंगे, मजा ले जो कभी वक्त पे फोन उठा लें। रिसेप्शन पे फोन करता हूं। मसूद साहब जो 2 बजे आने वाले थे वो हैं या चले गए? कितने बजे गए? ओके, थैंक यू। हाँ फवाद, तुम्हारी बात हुई हमाद से? जी, मैंने हमाद भाई को कॉल की थी लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो मैंने रिसेप्शन पे की। अंकल तो 2:30 बजे निकल चुके हैं। लेकिन अब तक तो बाबा को पहुंच जाना चाहिए था, मुझे तो सोच सोच की टेंशन हो रही है, पता नहीं हमाद ने उन्हें क्या कह दिया होगा। अच्छा आप प्लीज परेशान ना हो बाबू, मैं जाता हूँ, मैं ढूंढने निकलता हूँ, आप परेशान ना हो। फोन रखिए, मैं देखता हूँ। कहाँ जा सकते हैं? ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आखिर क्या वजह हो सकती है जो हमाद ने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया? इसकी वजह अभी फरिया से पूछनी होगी।
फरिया से सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मुझे इससे चलकर पूछना चाहिए, अभी नहीं, जब तक गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ जाता मुझे घर नहीं जाना चाहिए। गुस्से में फरिया से बात नहीं करना चाहता। अम्मी क्या हुआ फरिया, तेरा चेहरा क्यों उतरा भाई? अम्मी बाबा हमाद से मिलने गए थे। हमाद से? ये तो बहुत बुरा हुआ, हमाद उन्हें सब कुछ बता देगा जो हमने उनसे छुपाया है। मुझे तो सोच सोच की टेंशन हो रही है, पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। अभी फवाद का फोन आया था, वो मुझे बता रहा था कि बाबा वहां से 2:30 बजे निकल गए थे और अब तो 5 बजने वाले हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, पता नहीं वो कहाँ रह गए। परेशानी वाली बात है। हमाद भाई शायद घर पहुंच गए होंगे, मैं भी उन्हें फोन कर लेती हूँ। ये किसका नंबर है? कोई क्लाइंट होगा शायद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, मैं शहरीन, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओह, तो फरिया ने तुम्हें मेरी सिफारिश करने के लिए कहा है। मगर देखो अब उसे ये साफ साफ बता दो कि अब कोई फायदा नहीं। नहीं, फरिया बाजी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा। तो फिर तुम क्यों बात कर रही हो? मतलब इन सारे मामलात में तुम्हारा क्या ताल्लुक है? है, मेरा ही तो ताल्लुक है। इसलिए क्योंकि मेरे फोन की वजह से ही आप फरिया बाजी से बदजन हुए। ये मेरी ही गलती थी। लेकिन मैं भी क्या करती, मैं उस वक्त परेशान हो गई और सारिम भाई को भी किसी भी तरह से रोकना था। फरिया बाजी और सारिम भाई की पहले से दोस्ती थी, इसलिए मैंने घबरा कर फरिया बाजी को फोन कर दिया। लेकिन मेरा यकीन कीजिए हमाद भाई, मुझे नहीं पता था कि अब उन दोनों में दोस्ती नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल गलत हो। ओके? उन दोनों में अभी भी उतनी ही दोस्ती, बल्कि जैसे तुम दोस्ती समझ रही हो ना, वो दोस्ती नहीं है शहरी। अगर ये सिर्फ दोस्ती होती ना तो फरिया इस बात पर मेरी नाराजगी के बाद इसका ख्याल रखती, मगर सैडली उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि कुछ दिन पहले तो मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को शॉपिंग मॉल में एक साथ देखा है। देखो शरीन, अब मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, प्लीज। मेरी बात तो सुन। फरिया बाजी ऐसा नहीं कर सकती, जरूर हमाद भाई को कोई गलत फहमी हुई है। मुझे फरिया बाजी से बात करनी होगी। महरीन को तो देखो, कहने को हमारी बहू है, कितने परेशान है हम और वो पड़ी सो रही है। मम्मी आप उसे छोड़े, बस ये दुआ करें कि बाबा जल्दी से घर आ जाए। कहाँ रह गए अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आर्यन, तुम आ गए। बेटा बहुत देर हो गई, तुम्हारे अब्बू गए में वापस नहीं लौटे। क्या बात है मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों है और बाबा कहाँ चले गए? हम माँ से बात करने गए थे लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। ये सब इसकी वजह से हुआ है, अगर ये ठीक होती तो आज हमारे घर में खुशियां होती। ये टाइम इन बातों का नहीं है बेटा, जाके तलाश करो तुम्हारे बाबा कहाँ चले गए, मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा मैं, अब परेशान ना हो, मैं उनके दोस्तों से जाके पूछता हूँ, वो मिल जाए। ठीक है, आप परेशान नहीं होइएगा। हेलो भाभी, अंकल घर आए? नहीं, और अब तो बहुत देर हो गई है, परेशानी बढ़ती जा रही है। आप परेशान ना हो, आप बस दुआ करें, इंशाल्लाह अंकल घर आ जाएंगे। हाँ मैं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें जैसे ही बाबा को कुछ पता चले मुझे जरूर बताना। जी भाभी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी हम माँ से पूछना चाहिए कि उन्होंने बाबा को ऐसा क्या कहा।
ओ, तो अब खुद कॉल कर रही है मोहतरमा। अभी तबीयत साफ करता। कितने लोगों से सिफारिश करवाओगी फरिया? पहले बाप को भेजती हो तो कभी। सब मेरी वजह से हुआ, मुझे भाभी ने बताया भी था, मैं ही भूल गया और अंकल को भाई के पास भेज दिया, और भाई ने भी अंकल को सब कुछ बता दिया। मैं अंकल को कहां ढूंढूं? मुझे तो ना उनके किसी रिश्तेदार का घर मालूम है, ना किसी दोस्त का। मैं भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? फवाद, तुमने उन्हें ढूंढा तो था ना, अब वो अगर तुम्हें नहीं मिले तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर? देखो, ये सब एक ना एक दिन तो सामने आना था ना, तो अगर इस तरह आ गया तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? अंकल को ये सब कुछ पता लगना था फवाद। पता तो लगना था, लेकिन दुख इस बात का कि इस बात का वसीला मैं बनूं। तुम प्लीज दुआ करो आयदा कि अंकल घर वापस आ जाए। वो वापस आ जाएंगे फवाद, तुम फिक्र मत करो। देखो, अगर तुम ऐसे स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज इस बारे में मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो, क्या बात है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हो गया? मैं तो ऑफिस गया हुआ था, मैंने क्या किया? मैं आपके ऑफिस जाने की बात नहीं कर रही, आपके शॉपिंग सेंटर में फरिया बाजी से मिलने की बात कर रही हूँ। मैं नहीं मिला फरिया से, मैं कब मिला हूँ? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे आप, और झूठ मत बोलिए, वैसे भी मुझे सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चला तुम्हें? यही क्या, आप फरिया बाजी से मिले थे शॉपिंग सेंटर में। वो मैं इत्तेफाक से मुलाकात हो गई थी उससे, और फिर मेरी कजन है, अगर 2 मिनट खड़े होकर बात करी तो इसमें ऐसा क्या हो गया? ऐसा आप सोचते हैं, हमाद भाई ने देख लिया था आप दोनों को और उन्हें गलत फहमी हो गई है। तो हमाद को अगर गलत फहमी हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा हमाद से, समझा दूंगा उसे। लेकिन लाजमी कर लीजिएगा, वरना फरिया बाजी की तबाही का बाइस सिर्फ आप होंगे। मैं भी उन्हें फोन करके तसल्ली दे दूंगी। हम यहाँ परेशान बैठे हैं और इस महारानी की नींदें ही पूरी नहीं हो रही। हाय, ये तो अपनी अपनी किस्मत है खाला, महारानी बनने के ख्वाब देखे किसी और ने, बन गई कोई और। तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो, मगर एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी का घर उजड़ाना तो मैं तुम्हें। अम्मी, अरे मैं क्यों आपकी बेटी का घर उजाड़ने लगी भाई? ये तो इसके अपना किया धरा है, अपने करतूत है जो इसको ले डूबे। क्या जरूरत थी तुम्हें सारिम से रेस्टोरेंट में मिलने की? अगर मिलना ही था तो घर में बुला के मिल लेती भाई, मगर नहीं। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जो इसको अकेले में ही करनी थी उससे। तुम मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो, अब अगर तुमने इसके खिलाफ एक लफ्ज कहा ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। कैसा इल्जाम, कौन सा इल्जाम, भूल गई क्या? इसकी तो शादी से पहले भी यही हरकतें थी और अब भी यही है। अब अगर हम्माद ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना।
क्या हो गया बाबा को? बाबा क्या हुआ? पानी लेकर बाबा जल्दी किसी डॉक्टर को बुला। या अल्लाह मेरे पापा को ठीक कर दे। ईशक तू मेरी जान ले ले मगर मेरे पापा को ठीक कर दे। तू तो सब कुछ जानता है ना, तेरे बाद वही मेरा मजबूत सहारा है। या रब्बुल आलमीन मेरे सर के ताज को सलामत रखना, मसूद जल्दी से ठीक हो जाए। अम्मी बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें अगर कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बाबा को मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। तुम डॉक्टर से पूछो तो सही कि कब तक होश आएगा उन्हें। देखो उनसे कहो हमसे सब कुछ ले ले, मसूद को जल्दी ठीक कर दे। अम्मी मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर ने कहा कि वो रिकवर कर रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हुआ है उन्हें। अभी बस आप दुआ करें कि पापा को जल्दी होश आ जाए तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। या रब लगी मसूद को सेहत दे दे परवरदिगार। हमें आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाए, बस दुआ करें। मैं हूं ना आपके साथ। हेलो अम्मा, मैं रीम बोल रही हूँ। अम्मा बहुत बुरा हो गया। अम्मा शबाना खाला फरिया वाली बात में मुझसे लड़ रही थी, मसूद खालू ने सुन लिया, उन्हें हार्ट अटैक हो गया, वो हॉस्पिटल में है। ए मेरीन बस कर दे बस कर दे, एक ही सांस में तेरी जबान तो रेलगाड़ी की तरह चलनी शुरू हो गई। एक सांस भी ले ले, रुक जा। अब अगर वो बुढ़ा बीमार हो गया है तो हम उसे ठीक तो नहीं कर सकते ना। वो हॉस्पिटल में पड़ा है तो क्या इसमें हमारा कसूर है? अब वो मरे या जिए हमें इससे क्या? बिगुल बजा के। हाय अम्मा तुम कितने मजे से कह रही हो, क्या मेरा दम खुशकोर है, मेरी जान पे बनी हुई है। तेरी क्यों जान पे बनी हुई है? तुम क्या कान लग, एक मिनट, तुम क्या कान यूं लगा के सुन रहे हो? कभी रेलवा को बजाना शुरू कर देते हो? सुकून से बात कर लेने दिया करो किसी से। जा रहा हूँ मैं, कर लो गीबत, कर लो साजिश। अरे जाओ जाओ जाओ, जान छोड़ो। हाँ बोलो क्या कह रही थी? अम्मा शायद तुम भूल रही हो कि इस सब के पीछे मेरा और सारिम का हाथ है। हम लोगों ने मिलके फरिया और हमाद के दरमियान गलत फहमियां पैदा की थी ताकि उनका घर उजड़ जाए। हाँ तो ठीक है ना मेरीन, तू फरिया का घर उजाड़ना चाहती थी और इस साजिश में सारिम भी तेरे साथ शरीक हो गया। अरे अब इस कोशिश का कामयाब होना या ना होना ये तो फरिया की किस्मत है ना, वरना तेरे बुलाने पे हमाद ना पहुंच जाता ना शॉपिंग सेंटर। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। ठीक है। तौबा, घर वाले तो लेके बैठ गए, ये हो गया ससुराल में ये हो गया, भाई बुढ़ा मरता है तो मरे ना मेरी बला से। मेरी सहेली
तो बस फरिया से मोहब्बत की है, टूटकर चाहा है मैंने उसे, और अगर हम्माद ने उसे छोड़ दिया ना तो मैं उससे शादी करूंगा, मैं उसे अपनाऊंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मोहब्बत ये नहीं है कि सामने वाले को तोड़कर फिर से जोड़ा जाए, बल्कि मोहब्बत तो ये है कि सामने वाले को टूटने ही ना दिया जाए। और आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद फरिया बाजी आपसे शादी कर लेंगी? नहीं, वो आपसे शादी नहीं करेंगी। जितना मैं उन्हें जानती हूँ, अगर हमाद उन्हें छोड़कर चला भी जाएगा ना, तब भी वो आपसे शादी नहीं करेंगी। तुम अगर ये समझ रही हो ना कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है बीबी, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से। मैंने तुमसे कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ? जबान से नहीं कहा, लेकिन भूख हड़ताल करके तो तुम सारा इल्जाम मेरे सर पे ही लगाना चाह रही हो ना। मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो बस अपने बाबा के लिए दुआ कर रही हूँ, और कुछ नहीं है मेरे जहन में। ना ही तुम छोटे बच्चे हो फवाद, और ना ही पहली दफा कहीं बाहर जा रहे हो। स्काइप पे बात कर लेना। क्या हो गया मम्मा, थोड़ी देर रुक जाए प्लीज, भाई बस आते होंगे। मैं खूब समझती हूँ, तुम चाहते हो कि तुम्हारी फ्लाइट का टाइम निकल जाए ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चलो ड्राइवर को बुलाओ और सामान गाड़ी में रखवाओ। अभी सारिम का फोन आया था, बढ़िया बाबा इस दुनिया में नहीं रहा।